आज हम पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या होता है? सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड होती है, सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन को स्टोर करके रखती है, और इससे जो रिलीज होने वाले इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स हैं वो थायरॉक्सिन और कैल्सीटोनिन है। थायरॉक्सिन जो होता है वो हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है, यानी हमारे बॉडी में जो भी मेटाबॉलिज्म होते हैं उसका रेगुलेशन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है, यानी हमारी बॉडी के लिए मोस्ट इसेंशियल हार्मोन्स है जो हमारा थायराइड ग्लैंड सिक्रीट करता है। तो आइए पढ़ते हैं हम थायराइड ग्लैंड क्या होता है। यहाँ पर हम बात करते हैं, लार्जेस्ट इंडोक्राइन ग्लैंड है ये, और इसकी ओरिजिन एंडोडर्मल लेयर से होती है। और अगर इसके पोजीशन की बात करें तो ये वेंट्रल पार्ट ऑफ अपर ट्रेकिया दैट इज कार्टिलेजिनस रिंग C1 to C4। इसका पोजीशन देखते हैं तो इसका वेंट्रल पार्ट ऑफ अपर ट्रेकिया के वेंट्रल पार्ट पर जो कार्टिलेजिनस रिंग पाए जाते हैं, उस कार्टिलेजिनस रिंग में पहले रिंग से लेकर चौथे रिंग तक जो लोकेशन होता है वहीं पर हमारा थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट होता है। और थायराइड ग्लैंड का शेप कैसा होता है? तो ये एच शेप्ड होता है, या इसे बटरफ्लाई शेप कहते हैं। और इस ग्लैंड का जो वेट होता है वो 25 से 30 ग्राम होता है। यहाँ पर हम फिगर में देख पाते हैं नेक रीजन में, यहाँ पर ऊपर लेरिंग्स है, लेरिंग्स के नीचे ट्रेकिया आपको मिलता है, और ट्रेकिया के ऊपर कार्टिलेजिनस रिंग होंगे, और उसी कार्टिलेजिनस रिंग के ऊपर क्या लोकेटेड होगा? हमारा थायराइड ग्लैंड। तो इस तरह से हम इसको समझ पाते हैं। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको ये भी देखना है कि जो थायराइड ग्लैंड है, अगर उसको हम पीछे से देखें तो दो जोड़ी इसमें पैराथायराइड ग्लैंड भी देखने को मिलता है। आइए आगे हम पढ़ते हैं कुछ रिमार्क्स के बारे में। रिमार्क्स में मतलब स्पेशल पॉइंट हम पढ़ते हैं थायराइड ग्लैंड से रिलेटिव। तो यहाँ पर हम समझते हैं, थायराइड ग्लैंड वनली एंडोक्राइन ग्लैंड कैन बी स्टोर हार्मोन इन लार्ज अमाउंट। यही एकमात्र ऐसा इंडोक्राइन ग्लैंड है जो सबसे अधिक मात्रा में हार्मोन को स्टोर करने का काम करता है, यानी सबसे ज़्यादा अमाउंट में हार्मोन इसी ग्लैंड में पाए जाते हैं। थायराइड ग्लैंड इज द होमोलॉगस टू इंडो स्टाइल ऑफ प्रोटोकार्डेट्स। यहाँ पर एम्फियाक्सस दिया गया है, हर्डमानिया भी प्रोटोकार्डेट्स के अंतर्गत आता है। तो हर्डमानिया और एम्फीऑक्सस की बॉडी में जो इंडो स्टाइल होते हैं वो इंडो स्टाइल थायराइड ग्लैंड के होमोलागस होते हैं। होमोलागस मतलब क्या होता है? संरचना में समान होते हैं। तो यहाँ पर इंडो स्टाइल इम्पॉर्टेंट है, इंडो स्टाइल वर्टिब्रेट के थायराइड ग्लैंड के होमोलागस आर्गन के रूप में पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड का जब हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो सिंगल लोब्ड थायराइड ग्लैंड भी मिलता है और बाई लोब्ड थायराइड ग्लैंड भी मिलता है। सिंगल लोब्ड किस में मिलता है? पायोकिलोथर्मिक एनिमल्स में। पायोकिलोथर्मिक एनिमल्स में कौन कौन से आते हैं? पिसीस, एम्फीबिया और रेप्टाइल्स। पायोकिलोथर्मिक एनिमल्स के बारे में अगर आप देखें तो ये ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके बॉडी का टेम्परेचर इन्वायरमेंट के अनुसार चेंज होता रहता है। तो ऐसे एनिमल को पायोकिलोथर्मिक एनिमल्स कहते हैं, जिसमें मछलियाँ आती हैं, मेढक आता है, स्नेक और लिजार्ड्स आते हैं। तो ये सब पायोकिलोथर्मिक एनिमल्स में आते हैं, और इनमें जो थायराइड ग्लैंड होता है वो उसमें केवल सिंगल लोब होते हैं। और बाईलोब्ड, हम लोगों में बाईलोब्ड थायराइड ग्लैंड मिलता है, यानी हम लोग होम्योथर्म्स हैं। होम्योथर्म्स में एप्स और मैमल्स आते हैं। एप्स मतलब क्या? जिसमें पक्षी आते हैं, और मैमल्स मतलब जिसमें स्तनधारी, जिसमें ह्यूमन बींग्स भी आते हैं। तो थायराइड ग्लैंड का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पर ट्रेकिया, ट्रेकिया के ऊपर ये रेड कलर में आपको दिखाया गया है थायराइड ग्लैंड है, ऊपर लेरिंग्स प्रजेंट है, और ट्रेकिया के ऊपर जो कार्टिलेजिनस रिंग है उसी कार्टिलेजिनस रिंग पर ये लोकेटेड होता है। अब इसमें देखते हैं, इसको सामने से इस ग्लैंड को अगर देखते हैं, आगे से देखते हैं, तो उसमें एक लोब ये मिलेगा जिसे लेफ्ट लोब कहेंगे, और एक लोब ये मिलेगा जिसे राइट लोब कहते हैं।
और दोनों लोब बीच में जुड़ा होता है एक स्ट्रक्चर से जिसे इस्थमस कहते हैं। अगर इसको हम पीछे से देखें तो पीछे से देखने पर यहाँ पर दो जोड़ी पैराथायराइड ग्लैंड देखने को मिल जाता है। तो पैराथायराइड ग्लैंड जो होता है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर होता है और बैक व्यू मतलब वो पीछे की तरफ होता है। जब हम थायराइड ग्लैंड को पीछे से देखेंगे तो हमें पैराथायराइड ग्लैंड दो जोड़ी देखने को मिलता है। हार्मोन ऑफ थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड के हार्मोन्स को हम देखते हैं तो उसमें दो इम्पॉर्टेंट हार्मोन्स, एक का नाम थायरॉक्सिन, दूसरा कैल्सीटोनिन। थायरॉक्सिन हार्मोन्स जो है वो टी सीरीज के हार्मोन्स होते हैं जिसको T1 से लेकर के T4 तक देखा गया है, इसकी एक्टिविटी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन्स को पढ़ते हैं। थायरॉक्सिन हार्मोन्स के बारे में पढ़ते हैं तो यहाँ पर देखेंगे आइसोलेटेड बाय कोचर, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है कोचर। इन्होंने सबसे पहले थायरॉक्सिन हार्मोन को आइसोलेट किया था और इसको क्रिस्टल के रूप में किसने आइसोलेट किया था, केंडल ने। और इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर्स किसने बताया था, हैरिंगटन और बर्गर ने। तो ये साइंटिस्ट का नाम है। उसके बाद ये हार्मोन बनता कैसे है तो यहाँ पर देखते हैं आयोडीन बाइंड विथ टायरोसिन अमीनो एसिड ऑफ थायरोग्लोबिन फॉर्म्स टी सीरीज ऑफ थायरॉक्सिन। यानी जो आयोडीन होता है वो टायरोसिन अमीनो एसिड के साथ मिल करके, यानी थायरोग्लोबिन प्रोटीन होगा जिसमें टायरोसिन अमीनो एसिड होते हैं और टायरोसिन अमीनो एसिड आयोडीन के साथ बाइंड होकर के टी सीरीज का थायरॉक्सिन बनाता है, जिसमें यहाँ पर T1 थायरॉक्सिन है, T2 है, T3 और T4 है। यहाँ पर T1 और T2 इसके केवल ट्रेसेस यानी ये बहुत कम अमाउंट में पाए जाते हैं। और जो T3 थायरॉक्सिन हार्मोन है ये लगभग सभी थायरॉक्सिन हार्मोन का 20% पार्ट होता है। और सबसे ज़्यादा अमाउंट में कौन सा थायरॉक्सिन हार्मोन हमारी बॉडी में होगा, वो T4 होगा, T4 सीरीज का। तो ये लगभग 80% होता है और सबसे ज़्यादा सिक्रीट होता है। यहाँ पर मोर एक्टिव की बात करें तो जो T3 हार्मोन से वो ज़्यादा एक्टिव होगा किसकी अपेक्षा, T4 की अपेक्षा। अगर T2 की बात करें तो T2 जो है वो T3 से ज़्यादा एक्टिव होगा, T1 सबसे ज़्यादा एक्टिव होगा। अगर फंडामेंटल टाइप देखें यानी जो बेसिकली हमारी बॉडी में थायरॉक्सिन हार्मोन्स होते हैं वो T4 सीरीज के होते हैं। तो फंडामेंटल टाइप कौन सा होता है थायरॉक्सिन हार्मोन का, T4 होता है। नेक्स्ट है थायरॉक्सिन कंटेन 65% आयोडीन। हमारा जो थायरॉक्सिन हार्मोन्स है उसमें 65% क्या होता है, आयोडीन होता है। और आयोडीन की हमें पर डे ज़रूरत होती है तभी प्रॉपरली थायरॉक्सिन हार्मोन्स का सिंथेसिस हो पाएगा। तो यहाँ पर आयोडीन रिक्वायर्ड पर डे 100 से 500 mg आयोडीन की ज़रूरत हमें हर रोज़ होती है। यहाँ पर बात करते हैं IDD डे का मतलब होता है आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर डे, जो कब मनाया जाता है, 21 अक्टूबर को। तो आयोडीन की कमी से थायरॉक्सिन हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा और थायरॉक्सिन की कमी से तमाम डिजीज हो जाते हैं, जैसे जिसमें एग्जांपल डिजीज आप गोइटर को समझते हैं। नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन के फंक्शन को हम देखते हैं तो इसका मेन फंक्शन है ये बेसल मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करता है। हमारी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं उसका रेगुलेशन थायरॉक्सिन हार्मोन करता है। अगर थायरॉक्सिन हार्मोन का लेवल कम हो जाएगा तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी कम हो जाएगा, अगर थायरॉक्सिन का लेवल बढ़ जाएगा तो बेसिक मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर पहला फंक्शन हम देखते हैं रेगुलेट बेसल मेटाबॉलिक रेट, जिसे BMR कहते हैं। उसके बाद इंक्रीज सेल ऑक्सीडेशन दैट इज कैलोरीजेनिक हार्मोन, मतलब क्या होगा, ये सेल ऑक्सीडेशन को इंक्रीज करता है जिससे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, इसीलिए इस हार्मोन को कैलोरीजेनिक हार्मोन भी कहते हैं। रेगुलेट प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन फैट कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करता है। रेगुलेट ग्रोथ एंड टिश्यू डिफरेंशिएशन,
यानी ग्रोथ और टिश्यू के डिफरेंशिएशन को भी ये हार्मोन रेगुलेट करता है। मेटामॉर्फोसिस इन टैडपोल लार्वा, जो टैडपोल लार्वा है जब वो मेटामॉर्फोस्ड होता है तो उसके मेटामॉर्फोसिस के लिए थायरोक्सिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। उसके बाद नेसेसरी फॉर डेवलपमेंट ऑफ मेंटल फैकल्टी, मेंटल फैकल्टी के डेवलपमेंट के लिए भी ये हार्मोन ज़रूरी होता है, यानी माइंड के पूर्ण विकास के लिए इस हार्मोन्स की ज़रूरत होती है। रेगुलेट वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, यानी हमारी बॉडी में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को भी ये नियंत्रित करते हैं। सपोर्ट आरबीसी फार्मेशन, आरबीसी फार्मेशन की प्रक्रिया को एरिथ्रोपोएसिस कहते हैं, यानी आरबीसी के फार्मेशन को सपोर्ट करने वाला हार्मोन्स है। आल्सो नोन है टेम्पो ऑफ लाइफ, इसे टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहता है, इस हार्मोन्स को या ग्लैंड को टेम्पो ऑफ लाइफ भी कहा जाता है, यानी पूरी लाइफ को चलाने का काम ये करता है। अब हम देखते हैं कि अगर थायरोक्सिन हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो कम हो जाए तो हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन से क्या होगा, तो यहाँ पर एक डिजीज होगा जिसे गोइटर कहते हैं। गोइटर मतलब घेंघा रोग होता है। घेंघा रोग किसके कारण होता है, तो थायरोक्सिन हार्मोन्स के कम सिक्रीट होने पर, यानी हमारी बॉडी में थायरोक्सिन की कमी हो जाए तो क्या हो जाएगा, गोइटर। गोइटर में क्या होता है, इनलार्जमेंट ऑफ ग्लैंड, यानी हमारा जो ग्लैंड है वो इनलार्ज हो जाता है, बढ़ जाता है। और जो गोइटर है वो दो तरह का हो सकता है, एक नॉन जेनेटिक गोइटर है और एक जेनेटिक गोइटर है। नॉन जेनेटिक गोइटर का मतलब ऐसा गोइटर जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट नहीं होगा, जबकि जेनेटिक गोइटर ऐसा गोइटर है जो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिट होगा। तो यहाँ पर नॉन जेनेटिक गोइटर को सिंपल गोइटर भी कहते हैं और इसे कोलाइडल गोइटर भी कहते हैं या इसे आईडीजी भी कहते हैं। आईडीजी का मतलब आयोडीन डिफिशियंसी गोइटर, यानी आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग। इसे हिली गोइटर कहते हैं क्योंकि हिली एरिया में ये ज़्यादा देखने को मिलता है। और इसे एंडेमिक गोइटर कहते हैं, मतलब इस डिजीज का जो एरिया है वो रेस्ट्रिक्टेड होता है, तो इसे एंडेमिक गोइटर भी कहते हैं। तो ये हो गया सिंपल गोइटर। यहाँ पर जो इमेज आप देख पा रहे हैं ये सिंपल गोइटर का इमेज आपको देखने को मिल रहा है, ये नेक रीजन में थायराइड ग्लैंड इनलार्ज हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखते हैं, दूसरा है हाशिमोटो थायराइडाइटिस है। कभी कभी क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज के कारण हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिसे हम ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारा जो ग्लैंड है हमारे इम्यून सेल हमारे ही ग्लैंड को मार देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, इसीलिए से क्या कहते हैं, सुसाइड ऑफ ग्लैंड कहते हैं। तो अगर पूरा ग्लैंड ही नष्ट हो गया तो फिर थायरोक्सिन का लेवल हमारी बॉडी में कम हो जाएगा या हमारी बॉडी में थायरोक्सिन बनेगा ही नहीं, और जब थायरोक्सिन नहीं बनेगा तो गोइटर, सिंपल गोइटर, ये सारे डिजीज हमारी बॉडी में होने लगेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन में अगला जो रोग हम पढ़ते हैं यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डिजीज है जिसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। क्रेटिनिज्म भी ड्वार्फिज्म का एग्जाम्पल है। तो क्रेटिनिज्म जो है ये रोग किस में होता है, चाइल्ड में होता है, और ये प्रेगनेंसी के दौरान ही स्टार्ट हो जाता है आयोडीन की कमी से। तो यहाँ पर आप देखेंगे क्रेटिनिज्म में क्या होता है, ड्वार्फिज्म हो जाता है, बौनापन आ जाता है, यानी बॉडी का प्रॉपर ग्रोथ नहीं होता है। आपने पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म भी पढ़ा होगा, लेकिन वहाँ पर ग्रोथ हार्मोन्स के कम सिक्रेशन से वो ड्वार्फिज्म होता था, यहाँ पर थायरोक्सिन हार्मोन्स की कमी से ड्वार्फिज्म हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, इसे क्रेटिनिज्म कहते हैं। इसमें ग्रोथ स्टंटेड हो जाता है, यानी ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो पाता है, और ये मेंटली रिटार्डेंट होते हैं। यहाँ पर ये वाला जो करेक्टर है मेंटली रिटार्डेंट, ये करेक्टर डिफर करता है किससे, पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म से। पिट्यूटरी ड्वार्फिज्म में क्या होता था कि जो ड्वार्फिज्म होता था उसमें मेंटली रिटार्डेंस नहीं होता था, यहाँ पर मेंटली रिटार्डेंट होगा, और ऐसा जो चाइल्ड होगा वो इडियट होगा और उसका एज बहुत कम होगा। यहाँ पर ये फिगर आप देख पा रहे हैं,
यहाँ पर क्रिएटिनिज्म का सिम्टम्स इस चाइल्ड में देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट है हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। हाइपोसिक्रेशन ही है, हाइपोसिक्रेशन में अगला जो डिजीज आप पढ़ते हैं जिसका नाम है मेग्जोडिमा। मेग्जोडिमा को गुल्स डिजीज भी कहते हैं, गुल्स डिजीज कहते हैं। और इस डिजीज में होता क्या है, स्किन ड्राई हो जाता है और पफी हो जाता है। और ये मोस्टली किस में होता है, फीमेल में होता है। और इसमें मस्कुलर वीकनेस हो जाता है, जो मांसपेशियां हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और ये रोग किसकी कमी से होता है, थायरोक्सिन के कम सिक्रीट होने की कमी से। मतलब क्या होगा, थायरोक्सिन कम मात्रा में जब रिलीज होगा या थायरोक्सिन की कमी हो जाएगी तो मेग्जोडर्मा डिजीज देखने को मिलता है, जिसमें ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। इस तरह से कुछ सिम्टम्स यहाँ पर देखते हैं आप लोग, स्किन ड्राई हो जाएगा, पफी हो जाएगा और मस्कुलर वीकनेस आ जाएगा। ऐसा सिम्टम्स जो है किसका है, मेग्जोडिमा या जिसे गुल्स डिजीज कहते हैं, जो हाइपोसिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन के कारण होता है। अगला है हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन। अगर हाइपर की बात करें, हाइपर मतलब ज़्यादा, ज़्यादा मात्रा में अगर थायरोक्सिन रिलीज हुआ, ज़्यादा मात्रा में अगर थायरोक्सिन रिलीज होगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक्जोपथैल्मिक गोइटर, जिसे टॉक्सिक गोइटर कहते हैं। इसमें होता क्या है कि ये जो हमारा आई है, अगर हम यहाँ पर कुछ ऐसे बनाएं, ये मान लो हमारा आई बाल है, आई बाल के नीचे यहाँ पर आर्बिट है और आर्बिट के बीच में यहाँ पर बीच में फैटी लेयर होता है। यहाँ पर आर्बिट और आई बाल के बीच में क्या होगा, यहाँ पर फैटी लेयर। तो थायरोक्सिन हार्मोन्स का लेवल बढ़ने से ये फैटी लेयर धीरे धीरे बढ़ता जाता है, जिससे जो आई बाल है वो बाहर निकल आता है। यहाँ पर आप देख पाते हैं ये जो आई है, आँखें बाहर की तरफ निकली हुई होती हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको क्या समझना है, आई बाल और पीछे जो आर्बिट बोन होता है उसके बीच में फैटी लेयर का डिपोजिशन हो जाता है। तो ऐसे गोइटर को क्या कहते हैं, एक्जोपथैल्मिक गोइटर या टॉक्सिक गोइटर। यहाँ पर देखो इसका सिम्टम क्या है, प्रोट्यूड आई बाल, जो आई बाल होगा वो बाहर निकल आता है। पर्सन में भी ब्लाइंड, पर्सन ब्लाइंड हो सकता है। आल्सो कॉल्ड, यानी इस रोग को और भी किस नाम से जानते हैं, बेस्टो डिजीज कहते हैं, पेरिस डिजीज या इसे ग्रेप्स डिजीज भी कहते हैं। तो ये हाइपर सिक्रेशन ऑफ थायरोक्सिन हो जाता है। नेक्स्ट है हम अगला हार्मोन पढ़ते हैं कैल्सीटोनिन के बारे में। तो कैल्सीटोनिन को शॉर्ट में सीटी लिखते हैं। कैल्सीटोनिन यहाँ पर देखेंगे सिक्रेटेड बाय सी सेल्स या पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स। यहाँ पर थायराइड ग्लैंड में सी सेल्स या पैरा फॉलिक्यूलर सेल्स होते हैं जो कैल्सीटोनिन हार्मोन को सिक्रीट करते हैं। कैल्सीटोनिन हार्मोन्स पेप्टाइड इन नेचर होते हैं, यानी पेप्टाइड के बने होते हैं। और ये किसको एसिलेरेट करते हैं, एसिलेरेट इलिमिनेशन ऑफ कैल्शियम आयन इन यूरिन। यूरिन में कैल्शियम आयन के एलिमिनेशन को एसिलेरेट करते हैं। उसके बाद कैल्सीटोनिन इज एंटागोनिस्टिक टू पीटीएच। पीटीएच मतलब पैराथार्मोन। पैराथार्मोन के अगेंस्ट ये काम करने वाला हार्मोन है, यानी पीटीएच और कैल्सीटोनिन ये एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। तो इस तरह से ये कैल्सीटोनिन हार्मोन्स हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।